Hello everyone, I am the teacher for this question. Let me explain this question to you. A pair of parallel sides of a parallelogram measure each 10 cm each. The perpendicular distance between them is 6 cm. What is the area of the parallelogram? इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी हर एक साइड जो कि पैरेलल है, मतलब जो एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है, वो क्या है, 10 सेंटीमीटर की है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो आमने सामने की जो साइड हैं पैरेललोग्राम की, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है. सो गिवन है हमारे को, गिवन sides of parallelogram हमें गिवन है कितनी है, 10 सेंटीमीटर ईच. एंड दूसरा हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम उनमें कितना है, 6 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमें किन स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. हमें बेस कितना गिवन है, हमें बेस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, बेस है आपका 10 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डेट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बार देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करा था. हमें गिवन था कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ ए पैरेललोग्राम की हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर ईच, और उन पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है बेस इनटू में एल्टीट्यूड, बेस इनटू में एल्टीट्यूड करने के बाद हमने इनकी वैल्यू पुट करी, हमें बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.